नमस्कार, रितम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए एक विशेष खुशखबरी है कि आपका कुछ ग्रहों का परिवर्तन ऐसा हो गया है जिसकी वजह से आपके अंदर आत्मविश्वास फिर से बहुत अच्छी तरीके से होगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अभी तक ये हो रहा था कि आपके आत्मविश्वास में कमी आ रही थी और आपको अच्छे तरीके से मेंटल परफॉर्मेंस में दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब बदल गया है। सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन कर लिए हैं जिसकी वजह से आपके अंदर काफी अच्छा आत्मबल बढ़ जाएगा, आपकी मानसिक स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी और सही तरीके से आप निर्णय लेने लगेंगे। तो अब आप अच्छे तरीके से निर्णय लेने की कोशिश करिए, कोई कंफ्यूजन होगा नहीं और आपको किसी की सहायता की, किसी मदद की आवश्यकता नहीं है। बस ये सलाह रहेगा, अगर आप चाहते हैं कि पुरानी निगेटिविटी आपके ऊपर से हट जाए, आप निगेटिविटी से बच के आप पॉजिटिव एनर्जी में आसानी से शिफ्ट हो जाए, कोशिश कीजिएगा कि एक बाल्टी पानी में एक पाव नमक 250 ग्राम नमक डाल करके पहले नमक के पानी से स्नान करिए, उसके बाद फिर साबुन शैम्पू जो भी लगाना है स्नान अवश्य करें और उसके बाद बैठ करके मंत्र जाप अवश्य कर लें, अपने गुरु मंत्र का जाप करें, नहीं तो ओम नमः शिवाय का जाप एक माला करने के बाद आप स्टार्ट करें दिन, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी काफ़ी अच्छी आ जाएगी और पहली वाली जो नेगेटिविटी थी पिछली, वो बैकलॉग थे, वो सारे समाप्त हो जाएंगे और बड़ी आसानी से आपके अंदर पॉजिटिव शिफ्टिंग हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि और भी लाभ बहुत अच्छे से मिले तो कोशिश करें कि सफ़ेद रंग और पीला रंग प्रयोग में अवश्य लाएं। आइए दर्शकों, देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपका मन काफ़ी उलझा तो रहेगा और आप खुद भी थोड़े परेशान से रहेंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। हालांकि आपका कार्य बहुत अच्छे से कर पाएंगे यदि आप चाहें तो, और काम का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हो पाएगा, तो मतलब इस तरह से ठीक दिख रहा है, लेकिन आप स्वयं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे अपने काम में, ऐसा लग रहा है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में कोशिश करना चाहिए कि अपने आप को बहुत ज़्यादा भोजन से ओवरलोड मत करिए, मतलब बहुत ज़्यादा भोजन मत खाइए, कम भोजन खाएं, थोड़ा सा पौष्टिक भोजन खाएं तो अच्छा रहेगा। अपने शरीर में जल की मात्रा भरपूर रखें तो इससे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और कोशिश करें कि महामंत्र का जाप तो अवश्य ही करें, क्योंकि आपके मन में बहुत तरह का भ्रम ही चलेगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से कोई बात समझ में नहीं आ पाएगी, आप चाहे जितने भी विद्वान हो आपको भ्रम आएगा ही आएगा। तो ऐसे में क्या करें, महामंत्र का जाप जब आप करेंगे तो मन में काफ़ी शांति आ जाएगी और जब शांति आ जाती है तो आप किसी बात को तो आसानी से समझ ही सकते हैं। इसलिए महामंत्र जो नए दर्शक हैं उनके लिए बता देते हैं फिर से, महामंत्र बहुत आसान है, एक माला 108 माला करनी है, 108 बार करनी है, मतलब एक माला में 108 ही होते हैं मन के, इस तरह से 108 बार करना मिनिमम ज़रूरी है। अगर आप करेंगे तभी आपको रिजल्ट समझ में आएगा, लेकिन अगर ज़्यादा समय है तो ज़्यादा माला करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत अच्छा मंत्र है, बहुत आसान मंत्र है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, आपके मन में शांति आएगी, सुकून आएगा। आप वैसे भी हमेशा जीवन में कर सकते हैं लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता है, कोशिश करें कि अवश्य जाप करें। आप ध्यान रखें कि आज के दिन काला रंग और लाल रंग आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा जो आपको उत्साह बढ़ा करके बहुत अच्छी तरीके से पेशेंस के साथ कोई भी कार्य करने में मदद करेगा। आज दर्शकों, आप देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके मन में फिर से उत्साह बढ़ जाएगा, मतलब अभी तक तो था कि आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त निराशा थी, उत्साह की कमी दिख रही थी और विल पावर बहुत ड्रॉप हो रखा था, लेकिन अब फिर से उत्साह बढ़ जाएगा। सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर लिए जिसकी वजह से आपके अंदर काफ़ी उत्साह बढ़ेगा और साथ साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कुछ बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए क्षमता अच्छी हो जाएगी, लेकिन अभी भी नेगेटिविटी दिख रही है कुछ, इसलिए ध्यान रखिए अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नेगेटिविटी समाप्त हो जाए तो आपको सॉल्ट वाटर का स्नान कर लेना चाहिए, मतलब नमक के पानी से स्नान कर लेना चाहिए, एक बाल्टी पानी में एक पाव नमक डाल करके घोल करके अच्छे तरीके से स्नान कर ले तो उससे आपके अंदर काफ़ी अच्छी तरह से नेगेटिविटी निकल जाएगी और उसके बाद मंत्र जाप अवश्य कर ले, गुरु मंत्र है या कोई मंत्र है तो अवश्य जाप कर ले, इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। और साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि पीला रंग सफ़ेद रंग अवश्य धारण करें, इनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आइए दर्शकों, देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आप दूसरों की मदद करने की कोशिश करेंगे और आपके मन में रहेगा कि किसी की सहायता करनी चाहिए, तो आप किसी की सहायता अवश्य करें, जिसकी भी सहायता करना अच्छी बात है, परोपकार का कार्य है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि स्वयं के बारे में भी सोचना आवश्यक रहेगा। तो पहले अपने कार्य पर ध्यान दें, अपने कार्य को ठीक तरीके से चल पाए इसके लिए विशेष तौर पर ध्यान देने के बाद अगर आप परोपकार की तरफ ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में कई तरह की उलझने दिख रही हैं। कार्य तो ठीक से चल सकता है लेकिन उलझने भी दिख रही है, मतलब डिसीजन मेकर की आवश्यकता है और आप अच्छे डिसीजन मेकर हो सकते हैं,
और है भी, तो इसलिए अभी आपकी स्थिति ऐसी है कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेहतर यह रहेगा कि आपने कार्य क्षेत्र में क्या डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजन लेना, क्या करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ अगर आप डायरेक्शन देने के बाद आप उपाय करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी समय आ गया है जब आपको धनराशि प्राप्त हो सकती है। मतलब आपको, आप जहाँ से भी पेमेंट नहीं आए थे, अगर पेमेंट लेना चाहते हैं, पेमेंट चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको धन की प्राप्ति हो जाए, तो धन प्राप्ति करने के लिए आज बहुत ही शुभ दिन है। इस तरह से आप दिन का सदुपयोग कर सकते हैं। और साथ साथ ये है कि आज आप चाहते हैं कि कौन सा रंग का प्रयोग किया जाए, तो आप कोशिश करिए कि लाल रंग और पीला रंग अवश्य प्रयोग में लाएं। आइए दर्शकों, अब देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन ऐसा दिख रहा है जिस समय पर आपका आत्मविश्वास फिर से पुनः प्राप्त हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। मतलब आप फिर से उत्साहित होकर के सही तरीके से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। आपका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था, लेकिन कहीं पर निराशा ऐसी थी जिसकी वजह से सही तरीके से आप जी नहीं पा रहे थे। आपको लग रहा था कि ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, ऐसा कुछ लग रहा था, और आपके अंदर लग रहा था कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। हालांकि बुद्धि काम कर रही है, फिर भी बुद्धि काम कर रही है और आपके मन में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो आप बुद्धि का इस्तेमाल कर पाएंगे कैसे? तो इसलिए अब ऐसा समय नहीं है। अब आप कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, आपकी बुद्धि विवेक भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि आपको रिजल्ट्स पूरे अच्छे नहीं दिख रहेंगे, तो अभी नहीं दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ समय के बाद अवश्य दिखेंगे। तो इसलिए आप चिंता ना करें, 24 तारीख के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, मतलब 24 अप्रैल से। इसलिए तब तक के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो इस तरह से संभाल के चलें तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। आज के दिन कोशिश करें कि आप लाल रंग और पीला रंग प्रयोग में अवश्य लाएं, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आइए दर्शकों, अब देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव होता जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। मतलब आप अब किसी तरह का लॉस भी हो जाएगा ऐसा नहीं दिख रहा है, मतलब लॉस के चांसेस घटते जा रहे हैं, तो अब आपका दिन बदलता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है। इसलिए उत्साह के साथ यदि अपने कार्य को करने लगेंगे बिना चिंता के, तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई चिंता आपके मन में परमानेंटली बस सी गई है, तो चिंता जो आपके दिमाग में टेंट लगा कर बैठ गई है और जाना नहीं चाह रही है, तो आप उस पर ध्यान देना ही बंद कर दीजिए और अपने काम को करते जाइए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि नहीं यार, काम तो बढ़िया चल रहा है, मैं तो अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरा दिमाग भी बहुत अच्छा काम करता है, मैं जो भी करता हूँ लोग अप्रिसिएट भी करते हैं, क्योंकि अभी अप्रिसिएशन का भी योग बन रहा है कि आपको अप्रिसिएशन में मिलेगा, लोग पसंद करेंगे आपके कार्य को, सराहेंगे आपके कार्य को, तो और क्या चाहिए। इसलिए ग्रहों के संयोग की वजह से क्या होता है कि हमारी थॉट नेगेटिव की तरफ ही जाती है ग्रहों की वजह से, तो एक ही ग्रह नेगेटिव कर रहे हैं, बाकी तो पॉजिटिव करने के लिए बैठे ही हैं। इस तरह से अपने आप को समझाने की कोशिश करिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका आज का दिन का जो रंग रहेगा वह रहेगा पीला और हरा। ये दोनों रंग आपको उत्साहित रखेंगे और शांतिपूर्वक सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेंगे। खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, फिर एक बार मोदी सरकार। इस तरह आरकेडीएफ विश्वविद्यालय राज्य और देश के आधुनिक और उच्च विश्वविद्यालयों में से एक है। RKDF University, a world-class university. Education glorifies nation. आइए दर्शकों, अब देखते हैं तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है। इसलिए बेहतरीन है कि बहुत समय से आप मेहनत कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, दिमाग आपका इतना अच्छा काम कर रहा था, परफॉर्मेंस आपका बहुत बढ़िया था, फिर भी आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी और आप बड़े परेशान रहे कि धन की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि आपका कार्य मतलब धन की प्राप्ति नहीं हो पाने की वजह से काफ़ी अमाउंट पेंडिंग हो गया है। अब आज से समय स्टार्ट हो गया है जब आपको धन की प्राप्ति बहुत अच्छे से हो जाएगी, तो कोशिश करें कि आप धन की प्राप्ति करने के लिए जो भी हो सकता है आज से शुरुआत कर लें, तो आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप चलते हैं कि जल्दी रिजल्ट आए, आप धन की प्राप्ति जल्दी हो जाए, तो जो अभी तक एनर्जी एक्यूमुलेटेड एनर्जी मतलब इकट्ठा हो जाती है, कि नेगेटिव समय कुछ रहता है जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, उसको आप चाहते हैं कि उसको हटा करके पॉजिटिव एनर्जी आ जाए और तुरंत रिजल्ट आए पॉजिटिव, उसके लिए कोशिश करें कि आप एक बाल्टी पानी में एक पाव नमक डालें, स्नान करें, उसके बाद एक बार नमक के स्नान से करने के बाद आप साफ पानी से साबुन शैम्पू वगैरह लगा करके स्नान कर लें, उसके बाद अपने गुरु मंत्र का जाप कर लें या ओम नमः शिवाय का जाप कम से कम एक माला करने के बाद आप दिन की शुरुआत करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो पुरानी एनर्जी से डिस्कनेक्ट होकर के नई पॉजिटिव एनर्जी शुरू हो गई उससे कनेक्ट हो जाएंगे, और कनेक्ट होने के बाद आप देखेंगे कि हाँ वाकई रिजल्ट आ रहे हैं। इसलिए जो
साइंटिफिकली जो शास्त्र के हिसाब से जो भी बेस्ट है ये आपको बताया है। बाकी वह में पढ़ना है तो बहुत सारे टोने टोटके होते हैं, लेकिन अच्छा तरीका यही रहेगा, सौम्य तरीका, जो आप अपने कर्म को महत्व दे करके, अपने ज्ञान को महत्व दे करके आगे बढ़ करके बिना किसी पाप पुण्य के चक्कर में पड़े हुए आगे बढ़ना चाहते हो, यही सबसे सौम्य तरीका है। कोशिश करें कि आज के दिन लाल रंग काला रंग प्रयोग में लाएं, जिससे आपके अंदर शांति स्थिरता और उत्साह बनी रहे। आइए दर्शकों को देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके कार्य क्षेत्र में जो कई तरह की उलझने चल रही थी और सही तरीके से आपको कार्य करने में दिक्कत आ रही थी, आपको मजा नहीं आ रहा था कार्य करने में, अब थोड़ा मजा तो आना शुरू हो जाएगा। मतलब लगेगा कि हाँ कुछ बातें मतलब बन रही हैं, आपके जो आप कार्य कर रहे थे उसके रिजल्ट कुछ अच्छे आने लगेंगे। अभी भी रिजल्ट पूरी तरह से तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी रिजल्ट बेहतर आने का बन रहा है। एक महीने के बाद आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आने लगेंगे, इसीलिए थोड़ा एक महीने तक और भी पेशेंस रखें। अभी करीब 30-40% बेटर होने का बन रहा है, उसके बाद 100% बेटर हो जाएगा, इसलिए थोड़ा अच्छा समय है, इस समय का सदुपयोग करिए। जो भी कार्य कर रहे हैं अच्छे तरीके से करते रहिए। आपको मैंने हमेशा बताया, हर रोज से करीब करीब समझाने की कोशिश करते हैं कि आप आदित्य हृदय सूत्रम जरूर करिए, महामंत्र जरूर करिए, चंदन का टीका लगाइए, चंदन का इत्र लगाइए, बहुत जरूरी है, नहीं तो आप इतने भ्रम में रह जाएंगे कि आप सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाएंगे, और नहीं निर्णय लेने की वजह से आपके टैलेंट को कोई समझ नहीं पाएगा, और हो सकता आपको जो चाहिए था रिजल्ट चाहिए था, जो रिस्पेक्ट चाहिए था, वो नहीं मिल पाए। तो इसीलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सुबह सुबह थोड़ा समय लगा लें, करीब करीब एक घंटे के अंदर सब कुछ हो जाएगा, बल्कि एक घंटे से कम ही समय लगेगा यदि आप तो प्रैक्टिस हो चुकी है। तो इस तरह से आप समय को मतलब एवरी मॉर्निंग आप सब प्रतिदिन अपने समय को ट्यून कर सकते हैं पॉजिटिव, मतलब किसी तरह की उलझन से पॉजिटिव और सक्सेसफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि आज के दिन आप पीला रंग हरा रंग प्रयोग में अवश्य लें। आइए दर्शकों देखते हैं धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। आज के दिन अगर आप चाहें तो आप बड़ों से भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा था कि किसी से सहयोग नहीं मिल रहा था, आपको इंडिपेंडेंट चलना पड़ रहा था। आपको मैंने सलाह भी दिया था कि आप इंडिपेंडेंटली चलने की कोशिश कीजिए, सहयोग मिलेगा ही नहीं। जब नहीं मिल सकता था तो आपको मैंने कहा कि नहीं मिलेगा, आप ध्यान भी मत दीजिए, कोशिश भी मत करिए, लेकिन अब मिलने का योग बन रहा है। आपका खुद का टैलेंट और साथ में आपके बड़ों का टैलेंट या सीनियर्स का टैलेंट, वो सब मिल करके परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बहुत अच्छे एसेट्स के तौर पे माने जाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने परफॉर्मेंस को विल पावर के साथ बढ़ाएं, क्योंकि विल पावर आपका बढ़ चुका है। तो इस तरह से आपका दिन का सदुपयोग बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। कोशिश करें कि आज पीला हरा रंग प्रयोग में अवश्य लाएं, तो इससे आपको और भी मदद मिल जाएगी। आइए दर्शकों अब देखते हैं मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें पर आपके अंदर काफी उत्साह बना रहेगा और आप अच्छे तरीके से अपने कार्य को करने की कोशिश करेंगे। बस ये ध्यान रहे कि आप कौन सा कार्य करना है, किस तरह से अच्छा रहेगा और किस तरह से आप परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए विशेष तौर पर ध्यान देंगे तभी अच्छा रहेगा। मतलब आपको निर्णय लेना है बहुत समझदारी से, अगर सही निर्णय लेंगे तभी आप सही तरीके से आप सफल हो पाएंगे, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है कि आप निर्णय गलत ले लिए, क्योंकि बहुत सारे तरीके से आपको कार्य करने के लिए ऑप्शंस मिलेंगे और आपके अंदर टैलेंट भी है, आपके अंदर क्वालिटी भी दिख रही है कि आप अच्छे तरीके से कार्य को कर भी पाएंगे, मतलब सही भी तरीके से कर पाएंगे, गलत भी तरीके से कर पाएंगे, मतलब आप टैलेंट से भरे हुए दिख रहे हैं। तो इसलिए आप अपने सही टैलेंट का सही तरह से प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी, लाभ भी मिल जाएगा। तो इसलिए बहुत शांति से बहुत स्थिरता से कोशिश करें कि महामंत्र का जाप अवश्य करें मॉर्निंग में, और उसके बाद ही आप दिन की शुरुआत करें तो आपके मन में काफ़ी स्थिरता आ जाएगी और सही निर्णय लेना, पॉजिटिव थॉट्स में जा करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि आज के दिन काला रंग और लाल रंग प्रयोग में अवश्य लाएं। आइए दर्शकों अब देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन तो बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है, इसलिए बेहतरीन दिख रहा है क्योंकि अब तक तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा था और आप परफॉर्म करके बहुत कुछ कर भी रहे थे, लेकिन फिर भी आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा था। आपके जीवन साथी के साथ, आपके पार्टनर के साथ, सबके साथ बहुत अच्छा तालमेल नहीं बन पा रहा था, उनके जीवन में कुछ तकलीफ की वजह से या उनके जीवन में कुछ कमजोरी थी जिसकी वजह से, जिसमें आपकी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन आप परेशान थे कि भाई कैसे सुधर सकता है ऐसा समझ रहे थे। तो आपका समय बदल चुका है और आप देखेंगे कि उनका बड़ा सहयोग मिलने वाला है आपको, उनके साथ आपका फिर से ट्यूनिंग, आपका तालमेल बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा, ऐसा होने का बन रहा है। तो आपके पारिवारिक जीवन में भी बेहतर होने का बन रहा है, व्यावसायिक जीवन में बहुत बेहतर होने का दिख रहा है और अच्छे तरीके से आपको साथ मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा। तो आपके साथ आप अकेले नहीं हैं और आपके
पार्टनर्स का भी सहयोग मिल रहा है और इस तरह से मिलजुल करके बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा सफलता प्राप्त करने का योग दिख रहा है और आपको अच्छे तरीके से धन की प्राप्ति का, व्यवसाय में अच्छा से तरक्की करने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। कोशिश करें कि आज के दिन पीला रंग लाल रंग प्रयोग में अवश्य लाएं, ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा, उत्साहवर्धक भी रहेगा। आइए दर्शकों, अब देखते हैं मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मानसिक तौर पर सुकून का तो है, लेकिन कहीं अंदर मन में क्रोध भी थोड़ा बढ़ने का दिख रहा है और ईगो भी आपके अंदर आ सकता है। आसानी से धीरे से ईगो आ जाता है, ऐसा लगता नहीं है किसी इगोइस्टिक पर्सन को या जिसको ईगो आ गया उसको लगता नहीं है कि मेरे को ईगो आ गया है, उसको लगता नहीं है, ठीक तो है, क्योंकि ईगो अपने आप को पहचानने का मौका भी नहीं देता है। मतलब ऐसा कि आपके अंदर ईगो है, ईगो ऐसा आपको कन्फ्यूज रखता है। तो इसे समझने की कोशिश करें, आपको किसी पे भी क्रोध नहीं करना है, किसी की गलतियाँ नहीं निकालनी है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सामने वाले व्यक्ति से जब भी मिले, किसी भी व्यक्ति से मिले, तो उसकी तारीफ अवश्य करें, मतलब कुछ अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे करके, हेल्दी कॉम्प्लीमेंट्स दे करके ही बात करें। मतलब जैसे कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट लग रहा हो तो भैया आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, भैया आप कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, भैया आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, आपके स्पेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, ऐसे करके कुछ भी बातें ऐसी करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जब दूसरे, जब ईगो होता है तो दूसरे की तारीफ निकलती नहीं है अपने मुँह से। यदि आपकी दूसरे की तारीफ निकल गई है, इसका मतलब कि ईगो आपने सप्रेस कर लिया। साथ साथ आप सामने वाले व्यक्ति की तारीफ करते हो, व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और खुश होकर के आपसे बहुत अच्छे से बात करता है। अब जब आपसे कोई बहुत अच्छे से बात कर रहा है तो आप उससे कैसे लड़ पाएंगे या कैसे गुस्सा कर पाएंगे, कैसे उसको अपना एटीट्यूड दिखा पाएंगे, ईगो दिखा पाएंगे, तो इतना आसान नहीं रह जाएगा ईगो को परफॉर्म करना आपके जीवन में। तो इसलिए ईगो से बच करके अगर आप चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है, सदुपयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र में और अच्छे तरीके से सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आज के दिन इस तरह से संभल कर चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के दिन के लिए सफ़ेद रंग, पीला रंग आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और शुभ रहेगा। तो ये था दर्शकों आज के दिन का हाल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का दिन बहुत अच्छा जाएगा। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार करें। कल फिर मिलते हैं कल का हाल बताने के लिए। नमस्कार।